नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के प्राप्त अंक में 5 की बढ़ोतरी हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? ठीक है, पहली कंडीशन है कि 28 छात्र थे जिनका एवरेज कितना था, 50 था। ठीक है, अगर हम इनका योग निकालें तो 28 गुणा 50 करेंगे तो कितना आएगा, 1400। ठीक है, तो यानी 28 छात्रों के टोटल अंक कितने थे, 1400 थे। अब उसने कहा कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इसमें से 8 चले गए तो कितने बचे, 20 छात्र बचे। अब क्या हुआ, उनके एवरेज में 5 अंक की बढ़ोतरी हो गई, पहले 50 था अब 5 अंक की बढ़ोतरी हो गई, यानी कुल मिला के 55 हो गया। तो 55 गुणा 20 करेंगे तो 55 दूनी 110, 1100 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 8 छात्र छोड़कर गए हैं उनको अंक निकालना पड़ेंगे तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 300, यानी जो 8 छात्र हैं उनके अंक कितने हैं, उनके अंक है 300। ठीक है, अब उसी ने वही पूछा है हमसे कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। ठीक है, तो हम यहां से एवरेज निकाल देंगे। एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। योग कितना है, 300, संख्याएं कितनी है, 8, 8 से भाग लगा देंगे, 8 ती 24, बचा 6 हो गया 60, 8 साते 56, बचा 4, 8 पंचे 40, यानी कितना आ जाएगा, 37.5। यानी कि जो व्यक्ति, जो छात्र विद्यालय छोड़कर गए हैं उनका एवरेज निकल के कितना आया, 37.5। पहले एवरेज कितना था, 50, तो हमने 28 गुणा 50 किया, 1400 आ गया। फिर 8 छात्र चले गए, 20 बचे, 20 गुणे 55 किया, 110 आ गया। अब हमने इन दोनों को माइनस कर लिया तो 300 मिल गया। ये 300 अंक किनके हैं, जो 8 छात्र स्कूल छोड़ के गए हैं उनके हैं। तो 300 में हमने 8 का भाग लगा दिया, 37.5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।